देश भर की कलाकृति का प्रतीक सरस मेले में आए हुए शिल्पकार व खानपान हस्तकार मेले में आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन का धन्यवाद अर्पित किया है और नई पीढ़ी के लिए अपने विरासत से जुड़ने की बात माना है। दरअसल देश भर की अलग अलग संस्कृति का प्रतीक सरस मेले का आगाज किया गया। उत्तर भारत में पंजाब के जिला होशियारपुर में दूसरी बार सरस मेले का आयोजन से नवाजा गया। इससे पहले सरस मेले को साल 2014 में करवाया गया था। सरस मेले के आगाज के दूसरे दिन का माहौल काफी रोमांचक रहा। वहीं मेले में बुनकर की माने तो बेशक उन्हें मेले में मुनाफा होता है, जिसके लिए पिछले 40 सालों से इस क्षेत्र में हैं। लेकिन समय के बदलते मिजाज से नई पीढ़ी का रुझान अब कम हुआ है, जिसका असर माल का एक्सपोर्ट कम होना है। वे खुद इस धंधे में हैं, लेकिन दिन ब दिन युवा पीढ़ी मुख मोड़ अन्य कामों की ओर रुख कर रही है। वहीं 3 साल पहले लगे सरस मेले के बाद अब दूसरी बार हिस्सा बनी नागालैंड हस्तकार ने बताया कि बेशक देश के अन्य हिस्सों में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, लेकिन पंजाब की बात ही निराली है। कितने कम से समय से इस काम में? ये सर 40 साल हो गया। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ये हमारे दादा पर दादा कर रहे थे, उसमें हम भी लगते थे। मैं देख रहा हूँ कि इससे पीछे जा रहे हैं, तो मेरी नस्ल जो आने वाली है उसको काम छोड़ के कोई अफसर ग्रेड में पढ़ के उसमें जा रहा है। इसके नस्ल से दूर भाग रहे हैं हम लोग। क्या वजह है इसकी? इसके कारण प्रॉफिट नहीं है सर, मतलब इसमें बच्चे का पेट नहीं पल रहा है, इसी कारण से। मैं एक्सपोर्ट तो जैसे पहले बाहर जाते थे, इसमें हाँ उसमें सर बहुत प्रॉब्लम आ गई, बंद हो गई, घाटा लगने लगी, कंपनियां लाख हो गई, और कंपनियां जो बैंक से लोन लिए नहीं थी उसकी सील हो गई, उसकी नीलाम भी हो गया, इसी कारण ये लोग पीछे भाग रहे हैं। धीरे धीरे ये धंधा जो है नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। कभी मजदूरी करने वाले काश्तकार अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए इस धंधे में आए उत्तर प्रदेश निवासी अब सरस मेलों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे खुद कभी किसी के यहाँ काम कर रहे थे, अब उनका खुद का काम है। उन्हें इस मेले में दूसरी बार का तजुर्बा है। सीम सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि हमारा 2001 में गठन हुआ था, 2001 में हमारे जो बड़े थे और हम उनके साथ दूसरों के पास अपना एक छोटा कार्य करते थे, जो कि इस योजना का मैं नहीं पता था, छोटा कार्य करते थे। तो उसी के साथ साथ जब हमें ये पता लगा गवर्नमेंट की एक ऐसी योजना चली है सर्व जयंती ग्रामीण योजना, जिसके तहत 10 लोगों को जोड़ के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा और उसमें अपनी बचत जोड़ी जाएगी, तो हमने अपनी ऐसी बचत जोड़नी शुरू की। बचत जोड़ने से हमारे पास एक धन इकट्ठा हुआ, थोड़ा सा 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठा हुआ। उसके बाद हमें गवर्नमेंट ने हमें अपने उसमें रजिस्टर्ड किया, जिससे कि हमें 2.5 लाख का लोन और 25 हज़ार की सब्सिडी 50% छूट पे मिली। उससे हम लोगों ने अपना एक ये कार्य शुरू किया। जब हमने कार्य शुरू किया, पहले हमने छोटा छोटा काम शुरू किया, हम कभी लाइफ में ज़िंदगी में ये भी नहीं सोच सकते थे कि हम इतना बड़ा कार्य कर सकेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के सहयोग से, गवर्नमेंट की इस योजना से हमें इतना बड़ा वो मिला है कि हम लोग देख तो रहे बहुत बाबूजी, लेकिन नहीं, हम लोग एक छोटे से उससे होकर बहुत ऊपर अब पहुँचे हैं। गवर्नमेंट ने हमें पहुँचाया, इसमें सहयोग स्टेट के जहाँ भी अदर स्टेट में मेले लगते हैं सेंटर गवर्नमेंट के सहयोग से, और स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि ले लो पूरी स्टेट में एक पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जहाँ के लिए मेलों के लिए एक आर्टिजन लड़ता है और वहाँ के लिए भागता है, जो कि हम लोग 2001 से पंजाब गवर्नमेंट का मेला कर रहे हैं और यहाँ पर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और बहुत अच्छी हमारी सेल होती है और इस प्रोडक्ट को हमारा बहुत पसंद करती है। और इसके साथ साथ इस प्रोडक्ट को तो पसंद करते हैं और हम अपनी बताए गए यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं, अधिकन सब अधिकारी छोटे बड़े अधिकारी लोग हैं, वो इतना सहयोग करते हैं हमारे खाने पीने का, हमारे रहने का, हमारे प्रोडक्ट को कैसे बिकेगा, उसको बेचने का, प्रचार का, जिससे कि पूरा बेनिफिट हमारे जो है आर्टिजन पर पहुँचे और ये सब उसका पूरा हमें पूरा बेनिफिट मिलता है। मेले की रौनक बने स्थानीय निवासियों का मानना है कि ऐसे मेले लगते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक स्थान पर देश की झलक देखने को मिलती है, जिसे वे शायद ताउम्र न देख पाए और शायद ही कभी वे देश घूम सकें। इस मेले में उन्हें अपने देश की संस्कृति नजर आ रही है, जो अपने आप में एक अलौकिक नजारा है। आप इस फील्ड में कब से और ये मेला पहली बार अटेंड किया गया? हम पंजाब में यहाँ में दो बार आ रहे हैं, पंजाब पूरा कट है, लेकिन होशियारपुर में दो बार आ रहे हैं सेकेंड टाइम। कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है। मतलब क्या आर अपने और इंडिया में और भी कहीं गए होंगे? ऑल ओवर क्यों ऐसा? हाँ, ऑल ओवर इंडिया किया हुआ है, लेकिन हम ऑल ओवर इंडिया घूमता है, रिस्पांस अच्छा होता है, लेकिन लोग सबसे यहाँ अच्छा है और सबसे यहाँ अच्छा रिस्पांस मिलता है। आप लास्ट टाइम भी इधर आए थे और सेकंड टाइम आए हो? हाँ जी। तो लास्ट टाइम का रिस्पांस कैसा रहा और अब उसके इस बार क्या? लास्ट टाइम हम पूरा सामान खत्म करके गया था, सेल ऑफ।
थोड़ा सा लोग पंजाब वाले क्यों अच्छे लगते हैं ये? क्योंकि वो लोग का दिल खुला खुला होता है और बहुत अच्छा है, दिल के अच्छा है, हेल्पफुल भी है और दिल भी बहुत अच्छा है। जो मेले का आयोजन करते हैं, जो सरकार की ओर से कुछ बेनिफिट मिलते हैं आपको? हम लोग यहाँ रहना फ्री होता है, खाना फ्री होता है और शॉप फ्री में मिलता है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। जी किस तरह एक्सपीरियंस रहा, आप पिछले साल भी आए थे? अच्छा रहा था, मसलन बढ़िया है, जैसे लोग यहाँ के दाल बाटी है, बाजरा रोटी, मिस्सी रोटी, के सांगरी सब्जी है, जैसे हर चीज इनको बताना पड़ता है कि ऐसे खाता है, बाजरा की रोटी के साथ केर सांगरी खाते हैं, लहसुन की चटनी के साथ मिस्सी रोटी, गट्ठाई सब्जी के साथ मिस्सी रोटी, दाल बाटी बना के देते हैं कि ऐसे खाना है सर, तो वैसे हम बताते हैं वैसे ही खाते हैं और लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है खाना। पिछले साल आप आए थे? हाँ जी। और क्या एक्सपीरियंस रहा इस साल आने में? अच्छा है ना, उस साल से भी अच्छा आपकी बार हमारे लिए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? सब मिलती है, सोने के लिए बिस्तर मिलते हैं, खाने के लिए खाना मिलता है, सब कुछ होता है। इस मेले विच वधिया लगा सानू देखण नू, घूमण फिरण नू, इत्थे देखण नू एदां आ कि कल्चर जो भी हैगा आ, बाहरों कल्चर सारा हैगा आ, तकरीबन राजस्थानी कल्चर हैगा आ, काफ़ी कुछ देखने मिलया, तो यानि कि बहुत आइटम देखिया है जो इतने नहीं पंजाब है, बाहरों है, कई बार टीवी पर देखते हैं इन्हों, तो वधिया लगा आ देखने। हाँ जी हाँ जी, ये तो हैगा, ये तो मनने वाली गल है कि बेशक असी को हरियाणे तो नहीं जा सकते है, तो इतने यानी कि पूरा हरियाणे का लुत्त एनू लेंदे पे हैं। इतने बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा है, इतने सानू बहुत कुछ देखने को मिलिया, जिंदा राजस्थानी हरियाणवी, मतलब जे मैं कितने घूम नहीं सकती तो मैं एक इंदा प्लेटफॉर्म मिल गया जिन्हें मैं हर चीज़ देख सकती हाँ, स्टेट का हर एक चीज़, स्टेट का गिद्धा, लोग नाच, जो भी हर चीज़ देख सकती हैं, हैरीटेज की है, ट्रेडिशन की है, सानू इतों आके पता चल जाता है। हाँ जी, ये मेरी किस्मत है क्योंकि मैं इतने आई हाँ, तो मैं पूरा देश घूम लिया एक जगह तक, कि मे भी मेरी किस्मत नहीं सगा कि मैं सारे पूरा इंडिया की हर स्टेट नू देख सकाँ, सो ये वधिया है, सरस मेला बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस वधिया सगा, इस करके मेरा बर्थडे भी है, तो अज मैं उत्थे बर्थडे अपना सैलीब्रेट करना है। ठीक, लाइक मेला देखने आई हाँ, बहुत ही वधिया आ, सानू लाइक हर एक चीज़ घूमने लिए अलग अलग स्टेट जाना पैंदा, लेकिन इतनी छोटी जी जगह पूरा जहान बसया होया आ, एंड इतने खाना पीना बहुत आसम है, मैं मुंबई की पाव भाजी ट्राई की थी, बहुत सही सी, एंड हर एक चीज़ वेल ऑर्गनाइज्ड आ, एंड करके लाइक पूरा मेला बहुत खूबसूरत है।